हाय फ्रेंड्स, आज कैसे सिंधी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आर्किटेक्ट निहारा और आज हम देखने वाले हैं, हमने एक 3 BHK फ्लैट का इंटीरियर किया था, तो हम देखेंगे कि प्लानिंग स्टेज में हमने उसमें क्या किया था, उसके बाद हम देखेंगे कि कंसेप्चुअल 3D वॉक थ्रू कैसा था और उसके बाद हम जाएंगे फाइनल फिनिश साइट के ऊपर। ये वीडियो हमने हमारे इंग्लिश चैनल के ऊपर आस्क कैलसिस पर बहुत पहले अपलोड किया था, बट हिंदी ऑडियंस के लिए हम स्पेशली इसे रीजनिंग के साथ लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने अभी जो मैंने अपलोड किया था फोटो, एक किचन के कटलरी ड्रॉवर का जूम इन था, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, वो मैंने अपलोड किया था, वो इसी साइट से था। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे जो लिंक है उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। हमारे कई सारे साइट्स के जो फोटोग्राफ्स होते हैं हम इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम देखेंगे इस 3 BHK का 2D लेआउट। आप देख सकते हैं लेफ्ट बॉटम में एंट्रेंस डोर, लिविंग रूम और डाइनिंग अंदर आते ही सामने है। ये किचन है, बीच में जो पैसेज है उसमें पेरेंट्स बेडरूम, मास्टर बेडरूम और गेस्ट बेडरूम के दरवाजे हैं। अब देखते हैं इसमें स्ट्रक्चरल मेंबर्स यानी कॉलम्स और बीम्स कहाँ हैं। ये जानकारी हम स्ट्रक्चरल प्लान से मिली है जो हम यहाँ रेड कलर में देख सकते हैं, तो हमें इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। देखते हैं डिमोलिशन प्लान, मतलब क्या सिविल चेंजेस या किन ब्रिक वॉल्स को हमने तोड़ा है। किचन और पैसेज के बीच की दीवार, पेरेंट्स बेडरूम और पैसेज के बीच की दीवार, मास्टर बेडरूम के डोर का शिफ्टिंग, मास्टर बेडरूम और गेस्ट बेडरूम के डोर के लिए नई जगह बनाई है। अब देखते हैं प्रपोज सिविल लेआउट। इसमें हमने पैसेज और किचन के बीच में एक मार्बल पार्टीशन बनाया है, मास्टर बेडरूम का डोर बाहर की तरफ शिफ्ट किया है, मास्टर बेडरूम और गेस्ट बेडरूम के बीच एक स्लाइडिंग डोर ऐड किया है। चलिए देखते हैं अब ये फर्नीचर के साथ कैसा दिखेगा। क्योंकि एंट्री डोर के यहाँ कोई फॉयर या लॉबी नहीं थी, तो हमने शू रैक के बैक साइड में एक पार्टीशन इंट्रोड्यूस करके एक छोटा फॉयर क्रिएट किया है, इससे डाइनिंग को थोड़ी प्राइवेसी मिल जाती है। ये है लिविंग रूम का सीटिंग अरेंजमेंट, 6-seater डाइनिंग, किचन के पैरेलल काउंटर्स, पेरेंट बेडरूम का लेआउट, गेस्ट बेडरूम का लेआउट जो हमने मास्टर बेडरूम के एक्सटेंशन जैसा प्लान किया है। यहाँ हमने गेस्ट के लिए मफी बेड के साथ छोटा स्टोरेज, वर्क स्टेशन और होम थिएटर प्लान किया है। इसके प्लानिंग के ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि घर का डिज़ाइन जो होता है वो घर में रहने वाले लोगों की पर्सनालिटी उसमें से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में आपको दिखेगा कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी अलग है, बहुत बोल्ड है, कलरफुल है, क्योंकि ये जो क्लाइंट्स थे उन्होंने हमें ये ब्रीफ दिया था कि घर बहुत कलरफुल होना चाहिए, वाइब्रेंट होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। बोल्ड नॉट इन टर्म्स ऑफ फॉर्म्स, बट मटेरियल्स जो हमने यूज़ किए वो भी काफ़ी डिफरेंट होने चाहिए। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो हमने इसमें क्ले टाइल्स यूज़ किए हैं, हमने बैक पेंटेड ग्लास यूज़ किया है, मतलब रॉनेस भी है, थोड़ा सा शाइन और शिमर भी है। और उसी के साथ आप देखेंगे तो फिनिश इसमें हमने कॉक शीट भी यूज़ किया है, कोरियन भी यूज़ किया है। तो चलिए आप ही देख लीजिए कि कैसा दिखता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, घर के अंदर आते ही राइट साइड में जो शू रैक है उसके पीछे हमने एक पार्टीशन बनाया है। दीवार पर आप जो क्ले टाइल्स हमने यूज़ किए हैं वो देख सकते हैं। यह है लिविंग रूम का सीटिंग अरेंजमेंट, यह है 6-seater डाइनिंग, डाइनिंग के यहाँ जो पार्टीशन है वो हमने सीलिंग में भी कंटिन्यू किया है। ये किचन की एंट्री है, यहाँ पर आप किचन का मेन काउंटर देख सकते हैं। इसमें दो काउंटर्स है, पैरेलल काउंटर्स, तो सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हमने पीछे के काउंटर पर प्लान किए हैं। यहाँ पर आप फ्रिज देख सकते हैं। पैसेज में जो आप देख रहे हैं वो एक बुक शेल्फ है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी इसके लिए हमने दीवार को तोड़कर यहाँ पर बुक शेल्फ बनाया है। ये है पेरेंट्स बेडरूम जिसका लेआउट काफ़ी सिंपल है, डबल बेड, वार्डरोब और एक टीवी यूनिट आप देख सकते हैं। ये मास्टर बेडरूम है जहाँ पर आप देख सकते हैं एक 4-poster बेड। यहाँ पर टीवी प्लान नहीं किया है क्योंकि गेस्ट बेडरूम में हमने होम थिएटर प्लान किया है जिसको एक दरवाजे के साथ मास्टर बेडरूम को अटैच किया है। इस सोफे के पीछे एक मफी बेड है जो अभी फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर आप एक वर्क स्टेशन देख सकते हैं ताकि घर से काम कर सके। चलिए देखते हैं अब ये साइट कंप्लीट होने के बाद कैसे दिख रही है।
करती हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि ऐसी कौन सी नई चीज है जो आज आपने सीखी है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए, बट आज मैं आपसे कहने वाली हूँ कि प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि कोई भी नॉलेज होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो लोगों के साथ बांटने से बढ़ती है। जैसे मैं आपके साथ जो मुझे पता है शेयर करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये वीडियोस आपके किसी दोस्तों से या रिश्तेदारों से शेयर करें जो इंटीरियर डिजाइन करने वाले हैं या जो डिजाइनर है। तो मैं चाहती हूँ कि आप किसी एक दोस्त या रिश्तेदार के साथ ये वीडियो शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने ये किसके साथ शेयर किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय।